हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही होममेड बटर पेपर की वीडियो, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 मिनट में हमारा होममेड बटर पेपर बनके रेडी हो जाता है। चलिए बटर पेपर बनाना शुरू करते हैं। बटर पेपर बनाने के लिए हमने यहाँ पर वाइट पेपर लिया हुआ है। अगर आपके पास A4 साइज शीट है तो आप उसको भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह का कोई भी वाइट पेपर ले लें। पेपर को मैंने एक ट्रे पर रख लिया है, आप चाहें तो कोई भी प्लेट या ट्रे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, तो इसके ऊपर लगाएंगे। इसके लिए हमें कुकिंग ऑयल ही लेना है, कोई और ऑयल नहीं लेना। एक ब्रश की सहायता से हमें इसे अच्छे से ग्रीस कर देना है। पेपर पे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लें। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, सेम उसी तरह से हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना। यहाँ पर हमने 2 पेपर लिया है। जब हम एक पेपर पर ऑयल लगाते हैं तो दूसरे पेपर पर अपने आप ऑयल लग जाता है। जैसे ही पूरे पेपर में ऑयल लग जाएगा तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। जैसे मार्केट में बटर पेपर मिलता है, सेम उसी तरह का हो जाएगा। ऊपर की तरफ से मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऊपर के पेपर में ऑयल लगाया था और नीचे वाला पेपर अपने आप ऑयल लग गया। तो अब हम इसे एक टिशू पेपर की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेंगे। आप कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर ले सकते हैं इसको पोंछने के लिए। तो ऑयल जो लगाए हैं वो अच्छे से पोंछ लें, नहीं तो हाथ में लगने लगता है। तो ऊपर से इस तरह से एकदम अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। अब आपको मार्केट से बटर पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब भी केक बनाना हो आप इस तरह से बटर पेपर घर में बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। ऊपर की तरफ से हमने ऑयल को क्लीन कर दिया है, अब नीचे की तरफ से इसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से पोंछना बहुत ज़रूरी है इसको। ऑयल को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में जैसा बटर पेपर मिलता है, सेम उसी तरह से हमारा बटर पेपर दिखने लगा है। अगर आपको बटर पेपर का काम तुरंत नहीं है तो आप इस तरह से इसको पेपर में रख के स्टोर कर सकते हैं। एक पेपर ऊपर रख लीजिए और एक पेपर इसके अंदर रख लीजिए और इस तरह से इसको रख के आप स्टोर कर सकते हैं। ऊपर से इस तरह से हमें रोल कर देना है। रोल करने से हमारा बटर पेपर बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरह से रोल करने के बाद इसके ऊपर एक रबड़ बैंड लगा दें, जिससे हमारा रोल खुलेगा नहीं। अब आप इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। जब आपको बटर पेपर का यूज करना हो, आप अपने केक टिन को ले लें और इसके साइज का इस तरह से पेंसिल से मार्क लगा दें। आप जिस भी साइज का काटना चाहते हैं उस साइज का मार्क लगा लें। मैंने इसको रखने के बाद मार्क लगा लिया है। अब इसे एक कैंची की हेल्प से काट लेंगे। तो बिल्कुल गोलाकार में काट ले रही हूँ। बहुत ही आसान है। इस तरह का बटर पेपर आप बना के घर में यूज़ कर सकते हैं। मैं जब भी केक बनाती हूँ तो इसी तरह से होममेड बटर पेपर को यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरह से बटर पेपर बना के घर में यूज़ कर सकते हैं। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से घर में बटर पेपर बनाएँ और यूज़ करें। मैंने यहाँ पर मोल्ड में इस बटर पेपर को रख दिया है। ऑयल से ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। दोस्तों, आपको ये बटर पेपर की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।